हम सब कोशिश करके स्कूल को न सिर्फ एकेडमिक्स में बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत आगे पहुंचा है। मैं इसके लिए मैनेजमेंट कमेटी नू पब्लिक स्कूल का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने अपने घर के काम को छोड़ के स्कूल में इतना इंटरेस्ट लेके आज ये स्कूल एक पूरे करगिल में अपना एक मुकाम रखता है और उसके लिए आप सब मुबारक के होता है। बाकी मुझे सिर्फ दो ही चीज यहाँ से कहना है, एक तो आप लोगों का जो डिमांड है इंशाल्लाह उसमें मैं भी हूँ, मुराशिद साहब भी है और हमारा गुलाम अहमद साहब शायद ऑनरेबल काउंसलर नहीं आए हैं, तो हम मिलकर कोशिश कर रहे हैं स्कूल के जितने भी जो आप लोगों ने डिमांड रखे हैं उनको पूरा कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको ऐसा कोई हादसा ना हो उसके लिए वो प्रायोरिटी मेजर ले रहे, उसने वो कुछ करना हो
मैंने कहा है इंशाल्लाह वो दोबारा रिलीज देंगे और सार ने उन्होंने आज मुझे 50,000 का केस दिया है जो बच्ची के रवायती को देना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ सार ने मैंने उनसे बात किया था क्या ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके तहत सार को ये क्या कमेटी सर्वेंट के लिए एक तो वो मोबाइल यूनिट दे रहा है जो कम से कम 70,000 या 90,000 के आसपास एक मोबाइल ये मोबाइल अस्पताल के तौर पर एक मोबाइल यूनिट दे रहा है जो आपके ये दूर वाले गांव जैसे इस साइड से बरसो साइड मुंबा साइड हो समरा साइड हो उसमें छोटे छोटे ऑपरेशन भी कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड की मशीन भी होंगे वो सब होंगे इंशाल्लाह वो आपको अगले साल तक वो आपको आ जाएंगे। और साथ में 10 kV सोलर लाइट CSC के लिए जो सोलर लाइट है वो भी इंशाल्लाह जल्दी उन्होंने हमने यहाँ से प्लान भी दिया है जल्दी वो लोग आपको यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। वो भी जो ड्रिंकिंग वाटर क्या मोबाइल यूनिट जो है वो 49.40 लाख का है यानी तकरीबन 50 लाख का है और IV सोलर लाइट पर CSC है वो 26.41 लाख का है वो भी इंशाल्लाह हम आपके यहाँ पे अस्पताल में इंस्टॉल करने जा रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह अभी मुझे कम से कम सिर्फ 10-15 मिनट हो गए मैंने आपका कॉलेज का मसला भी और LG के सामने उठाया था कि हमें फुल फ्लेज कॉलेज एक चाहिए जिसमें हमारा स्टाफ पूरा सेक्शन हो और हमें पूरा पढ़ाने के लिए कॉलेज फुल फ्लेज कॉलेज चाहिए। तो उसने मैंने सबको कॉलेज कहा था शायद आपने देखा होगा उसने द्रास कॉलेज कहा था द्रास का मैंने उसने क्योंकि द्रास में तो ऑलरेडी कॉलेज बना हुआ है एक डिग्री कॉलेज बना हुआ है तो जरा किसी द्रास उसने लिखा था शायद एक्चुअली ये करगिल ये सांपो कॉलेज के लिए था मैंने और वजीर साहब के साथ एडवाइजर साहब के साथ और उनके कंसर्न सेक्रेटरी जो हमारे एजुकेशन के उनके साथ भी है मुझे उन्होंने हमारे ड्राइवर ने वो भी एक फुल फ्लेज हम सांपो में कॉलेज बनाने में कामयाब हो गए। आपके ये डिमांड का मैंने बताया मुझे उम्मीद है हमारा आशीष सर भी मेरा इसमें मुझे कंट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि इनका जो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा स्कूल के लिए स्पेशल इनको तवज्जो देने की जरूरत है चाहे आपका भी आपके कंट्री गवर्नमेंट फार्मेंट से हो या जहाँ डिपार्टमेंट में जाना हो क्योंकि कभी कभी सब डिपार्टमेंट में आज के डेट में मैं नहीं जा सकता हूँ लेकिन इनसे रिक्वेस्ट है जहाँ से हो सके जहाँ पे DPR बनाना हो वो करना हो हम सब मिलके न सिर्फ पब्लिक स्कूल को बल्कि एक शाम को एक अच्छा सा ये एक डेवलप मॉडर्न टाउन बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मैंने टूरिज्म वालों से बोला भी कहा है हाँ टूरिज्म वालों ने मुझे बताया कि ये आपके नए कुछ ये वो जिसका क्या कहते हैं बाथरूम के या उसके पोस्टर बना रहे हैं वो आपका वहाँ पे बाथरूम के पब्लिक के यूटिलिटी जो वहाँ पे आपके बने थे वो शायद खराब हो गए हैं तो उसके लिए इंशाल्लाह नया वो बना रहे हैं। साथ में आपके ये जो रोड जा रहा है नेशनल हाईवे वहाँ का तो उसमें भी आप लोगों के मैंने उनसे कहा है लोगों से मशवरा करके या सेंटर से आपको लेना हो या साइड से लेना हो हमारे पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव से मशवरा करके पब्लिक को मशवरा करके हमारे कौंसलर को इसमें कॉन्फिडेंस में ले करने के लिए और अभी तक वो कह रहे थे उनको सेंटर का पता नहीं चल रहा है अभी आशिफ साहब आप प्लीज़ यहाँ पे SDM साहब से मिल के देखिए रेवेन्यू वालों से ये सेंटर कहाँ से शुरू होता है तो NSPC ये क्या है हाईवे अथॉरिटी को अभी वो उनको ये अभी डिपार्टेशन नहीं हुआ है तो बाकी जो भी आपकी मसाइल है इंशाल्लाह चाहे टूरिज्म सेक्टर में हो चाहे R&D में हो चाहे आपके ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन हो या बाकी आपके रोड्स है या आपके खलहापुर सुनी चल के पानी का मसला है बाकी यहाँ के पानी का मसला है मुझे उम्मीद है कि जो ये क्या कहते हैं हमारे ये PHU वाले हैं जल जीवन मिशन वाले अगले साल तक
अगले साल तक इंशाल्लाह मैक्सिमम आपके पानी के जो मसाइल है वो हल हो जाएंगे। अगर आपको सर्दियों में प्रॉब्लम होता है, मैं आपको वादा करता हूँ इंशाल्लाह उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए हम आपके टैंकर सर्विस लगा देंगे साथ में। बाकी मसाइल तो बहुत है, मुझे उम्मीद है आप लोगों का तारुफ कहा तो मैं आहिस्ता आहिस्ता मेरे भी गवर्नमेंट काउंसिलर से आशिक साहब है, गुलाम अहमद है, बाकी काउंसिलर से हम सब मिल के इस इलाके को न सिर्फ इलाके को बल्कि साथियों को और उसके घर परिवार को एक एक अच्छा मॉडल तमाम बनाए और एक अच्छा डेवलप जो पास में हमारे पास जितने भी फैसिलिटीज है उनको गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए। कोशिश कर रहा हूँ फैसिलिटीज तक सब आपसे बोल रहे हैं। अभी इमीडिएटली आपके पास किसी भी गवर्नमेंट का कुछ जरूरत हो या कुछ आपके स्कूल में किसी इमरजेंसी चीज के लिए कुछ जरूरत हो, मैं आपको इसलिए गवर्नमेंट में एक लाख आज कुछ दिनों के बाद देगा, एक लाख रुपये स्कूल के लिए और एक लाख आपके बच्चे इसके लिए आपको दो लाख रुपये आपके गवर्नमेंट के लिए दे रहा हूँ। बाकी ऐसी सारे आपके जो मैनेजमेंट है ये मेरे तरफ से छोटा सा ये 10,030 पैसे जो बच्चे अभी फर्स्ट डायरेक्टर आए उसमें इंशाल्लाह आगे तक वो करोगे।